सबसे हेल्दी सबसे पौष्टिक नाश्ते की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं सबसे हेल्दी सबसे पौष्टिक और ये चटपटा बॉयल्ड पीनट का चाट है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। ये बहुत ही पौष्टिक नाश्ता होता है और हमारे शरीर की जमा गंदगी को बहुत जल्दी ये तेज़ी से बाहर निकलता है और हमारे शरीर का वज़न बहुत जल्दी घट जाता है। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी बॉयल्ड मूंगफली का चाट। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है और इस मूंगफली को हम पानी में भिगो देंगे। तो ये देखिए, मैंने मूंगफली को आप आधे घंटे के लिए पानी में ऐसे भिगो दीजिए और फिर इसके बाद इसको आप बॉयल करिए। तो देखिए, अब हम इसको बॉयल कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये नाश्ता होता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो पूरा आपको इसको अच्छे से बॉयल करना है। आप चाहें तो कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से बॉयल हुआ कि नहीं। तो ये देखिए, इसमें से कुछ दाने हम लेंगे और इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा इसको और बॉयल करना है, तो अभी हम इसको फिर से इसको पकाएंगे। आपको इतना पकाना है कि मूंगफली एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, इधर मूंगफली बॉयल हो रही है, इधर मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च लिया है और इसको हम कट करेंगे। आप चाहें तो और भी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। भुनी हुई मूंगफली की जगह उबली हुई मूंगफली सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को ऐसे बारीक कट कर लिया है और ये कुछ मसाले हैं। मसालों में मैंने चाट मसाला लिया है और ये देखिए, ये भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर है, दोनों मिक्स पाउडर है, और ये लाल मिर्च है और ये नमक है। तो बस हम मूंगफली को ठंडा कर लेना है। तो ये मूंगफली देखिए ठंडी हो चुकी है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज ऐड कर दिया है और अब हम इसमें हरी मिर्च, मैंने देखिए जितना आप तीखा खाना चाहें उतना आप इसमें हरी मिर्च ऐड करिएगा, और ये टमाटर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये जो सारे मसाले हैं, मैंने एक बार आपको फिर से बताया, चाट मसाला और ये काली मिर्च और भुना हुआ जीरा है और थोड़ा सा लाल मिर्च है। इसमें देखिए, मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये पेट की कई बीमारियों को दूर करता है। उबली हुई मूंगफली बहुत ही गुणकारी होती है, तो भुनी हुई मूंगफली की जगह अगर आप उबली हुई मूंगफली खाइए, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम इसमें देखिए नींबू ऐड करेंगे। तो हमने नींबू को बहुत ही अच्छे से आधा नींबू को डाल दिया है और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा चटपटा करने के लिए ग्रीन चटनी डाल दी है, तो इससे ये और भी टेस्टी और चटपटा हो जाता है। तो अगर आप मतलब खाना पसंद करते हैं तो आप डालिए, ये बहुत ही चटपटा और हेल्दी होता है। ग्रीन चटनी भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा टेस्टी हेल्दी ये चटपटा बॉयल्ड मूंगफली चाट तैयार है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो बस मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। तो आमतौर पर मूंगफली खाना तो बहुत लोगों को पसंद है, और लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मूंगफली जो बहुत ही हेल्दी होता है और कई बीमारियों को दूर करता है। तो बस इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही चटपटा ये बॉयल्ड मूंगफली चाट होता है। आप इसे अपने डाइट में शामिल करिए, धीरे धीरे आपका वज़न बहुत ही जल्दी ये कम कर देगा। और ये देखिए, ये काफ़ी हेल्दी है। आप ये सोचेंगे कि ये चटपटा नहीं है, बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप इसे लगातार 7 दिन तक खाएंगे तो ये आपके पेट की सारी जमा गंदगी को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे कैलोरी को कम करता है। उबली हुई मूंगफली का सेवन करने से वजन कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है। तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी होता है और ये मूंगफली की सबसे पौष्टिक नाश्ता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आई होप कि आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।